उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला SRN अस्पताल का है। करछना के रामपुर उपरहार निवासी गरीब बजरंगी यादव को पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। गरीब माँ बाप बेटे का शव कंधे पर रखकर भारी बारिश के बीच पैदल ही निकल पड़े। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा है। रामपुर उपरहार निवासी बजरंगी यादव के पुत्र शुभम की सोमवार को सेमराहा गांव में करंट से मौत हो गई थी। शव का पोस्टमार्टम के लिए SRN लाया गया। मंगलवार को पोस्टमार्टम हुआ। कागजी खानापूर्ति के बाद शव माँ बाप को सौंप दिया गया। वायरल वीडियो के मुताबिक शव ले जाने के लिए गरीब बजरंगी ने एम्बुलेंस की मांग की तो उससे पैसे मांगे गए। बजरंगी के पास देने को पैसे नहीं थे। मजबूरन उसने बेटे का शव कंधे पर लादा और पत्नी के साथ पैदल निकल पड़ा। बच्चे को कंधे पर ले जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो है उसकी मृत्यु हो गई थी बच्चे की और उसको किसी तरह का शव वाहन नहीं मिला। तो ये अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया हुआ है तो इसका एक उच्च स्तरीय इसकी एक जाँच करा ली जाएगी। यदि जाँच में कहीं से भी कोई लैप्स आते हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और किसी भी शासकीय जो इसमें राहत के तहत अगर ये परिवार आएगा तो उसको राहत भी दिलवाई जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।